चली है झुमके। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कमल नसीर और आपको खुशामदीद कहती हूं प्रोग्राम रात चली है झुमके। आप जानिए कि हमारा ये मुसीकी का प्रोग्राम, इसकी जो बेस है वो है अपने लेजेंडरी सिंगर्स, पोएट्स, म्यूजिशंस, इन सबको ट्रिब्यूट पेश करना और आप सबको बताना उनकी ज़िंदगी के वो पहलू जो शायद आप नहीं जानते, और इन लोगों का दिया हुआ काम उसको उजागर करना, आज की जेनरेशन को भी बताना कि कितने नायाब गौहर हमारे पास पाकिस्तान में हैं, जो गुजरे हैं हमारे मुसीकार, पोएट, सब सिंगर्स, उनको एक छोटी सी काविश है उनको ट्रिब्यूट देने की। आज जिस शख्सियत को हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं, जिस मुसीकार को, उनको मुसीकी का शहंशाह समझा जाता था, उनको टाइटल मिल चुका था, वो मास्टर थे अपने काम के, और नाम है मास्टर गुलाम हैदर। मास्टर गुलाम हैदर 1908 में हैदराबाद सिंध के एक शेख खानदान में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई जो तालीम हासिल की और जहाँ तक वो पहुँचे वो डेंटिस्ट्री थी, लेकिन मुसीकी के लगाव ने उनको पहले थिएटर की तरफ और फिर फिल्मी दुनिया में कदम रखाया। 1935 में उनके करियर का आगाज हुआ और 18 साल की कलील मुद्दत में उन्होंने 33 सुपरहिट फिल्मों का म्यूजिक तरतीब दिया था। मास्टर गुलाम हैदर के पास मुसीकी की परख करने के लिए एक जौहरी जैसी आंख थी। उन्होंने ऐसी गुलूकाराओं को मुतारफ कराया जिनके गीत आज तक दुनिया गाती है। ज़रा नाम तो सुनिए, मलिका तरन्नुम नूर जहाँ को उन्होंने 1939 में फिल्म गुल बकाउली में इंट्रोड्यूस करवाया, और मैडम खुद उनके बारे में क्या कहती हैं? शुरू से ही चूँकि मुझे क्लासिकल की तालीम दी जा रही थी, जब मैं यहाँ आई तो बड़े बड़े उस्तादों में गाना गवाया जाता है उस बच्चे को जो सीखता है, उनको पता चला कि यहाँ कोई लड़की आई है, गाती है क्लासिकल और अच्छा गाती है, तो मुझे पंचोली स्टूडियो में बुलाया। मेरी उम्र उस वक्त 9-10 साल की थी, मगर उन्होंने जब फरमाया कि बेबी अपना गाना सुनाओ, तो मैंने उन्हें पीलो की ठुमरी, प्यारे रसिया बिहारी सुनो बिनती हमारी, मैंने सुनाया, और वो मुझे कह लगे भाई तुम तो अपनी उम्र से ज़्यादा गाती हो, बहुत मुझे प्यार किया और कह लगे लो अब हम तुम्हें अपनी पिक्चर में क्लासिकल गाने की तान से शुरू कराएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छा, सुनाइए जल्दी सुनाइए। कल के क्या जाओगी? मैंने कहा भला बताइए। तो वो कहने लगे, एक गाना उन्होंने मुझे गवाया गुलबकौली फिल्म में, शाला शाला जवानिया माने, शाला जवानिया माने, आखा ना मोड़ी जीले, आखा ना मोड़ी जीले जीले, शाला जवानिया माने। इस बल को एक 9 साल या 10 साल के बच्चे को दिया जाए तो वो बेचारा बिस्किट भी खाएगा तो उसके हाथ से भिट के बिस्किट गिर पड़ेगा। बहरहाल मैंने गाया और उसके बाद बहुत सी फिल्मों में, गुलबकौली में और क्लासिकल गाने गाए, और फिर एक यबला जट थी उसमें भी इसी तरह, कचियाँ वे गलियाँ तू ना तोड़ और आशीष, तक कई गाने मैंने गाए वो भी सारे क्लासिकल थे। फिर एक यमला जट बनी, फिर एक चौधरी फिल्म बनी, फिर खानदान बनी। फिल्म लाइन में भी जब से आई हूँ उन्हीं की शागिर्द हूँ, उन्होंने ही मुझे माइक पे खड़े होना बताया है, मुझे अल्फाज कहने, गाते हुए बोल गिनना बताया है, मेरे फिल्म लाइन के वही उस्ताद हैं। रात चली है झूम के हमारा आज का ट्रिब्यूट है एक उस्ताद, एक मास्टर, एक किंग मुसीकार के बारे में, और वो हैं मास्टर गुलाम हैदर। और इस ट्रिब्यूट में हमारे साथ शामिल हैं साइमा जहान। आप गा रही हैं उन मैडम के गाने और साथ मुनव्वर सुल्ताना का गाना आज गाएंगी, तो मुझे ये बताइए आपने बाकायदा सीखा गाना? बिल्कुल सीखा। सबसे पहले तो मेरे घर में उस्ताद मौजूद हैं जी, मेरी मदर जी, अजरा जहाँ जी, और उसके बाद फिर मैंने अपने बाकायदा शागिर्द करवाया मुझे उस्ताद गुलाम मोहम्मद
मैडम के भी उस्ताद जी जी बाबा जी, तो उनसे आपने सीखा जी, उनके बेटे से और उनसे। साहिबा, ये जो इतने बड़े फनकार होते हैं जैसे मैडम हैं या मुनव्वर सुल्ताना हैं, उनके जब गाने आप गाती हैं तो आपको क्या लगता है, चैलेंज लगता है? चैलेंज तो अपनी जगह है, लेकिन ये सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि कितने मुश्किल गानों को किस दौर में उन्होंने निभाया और कितनी खूबसूरती से उन्होंने इसको किया, तो बड़ा बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैडम के गाने बड़े गुलाम अली खान 1902 में कसूर मगरबी पंजाब में एक अजीम मौसीकार घराने में पैदा हुए। गायकी की तालीम उन्होंने अपने चचा काले खां से हासिल की और जो उस वक्त ज़माने के एक बहुत मकबूल गुलूकार और मौसीकार थे, और कुछ तर्ज़ें उन्होंने अपने वालिद से सीखी। ये सिलसिला 3 साल तक जारी रहा और इसी दौरान उन्होंने तानन को सुरमंडल में तब्दील कर दिया और उसे वो अपनी गायकी में इस्तेमाल करते रहे। में कलकत्ता में उन्होंने अपने गायकी का मुजाहरा किया और उसी से वो मुतारिफ हुए। ठुमरी उनकी पहचान हुई और ठुमरी की गायकी में उन्होंने बहुत सी इख्तराआत की। उन्होंने लाजवाल ख्याल और ठुमरियाँ रिकॉर्ड कराई, जैसे आए ना बालम क्या करूं सजनी और याद पिया की आए, जो आज भी मौसीकी से प्यार करने वालों में बहुत मकबूल है। बड़े गुलाम अली खान साहब ने 4 रिवायती जो मौसीकी थी, पटियाला जो उनका अपना घराना था, धुरपद, ग्वालियर और जयपुर को, इन सब को एक हसीन इम्तिज़ाज उन्होंने तख्लीक किया। मैं पंजाब के मशहूर घराने में आज का ट्रिब्यूट एक लाजवाल मौसीकार को है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। और इस वक्त हमारे पास स्टूडियो में उनके ग्रैंड सन मौजूद हैं, नकी खान। तो आइए उनसे पूछते हैं उस्ताद साहब के बारे में। जी नकी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, ट्रिब्यूट आपके ग्रैंडफादर को है, तो आप उनकी फनी ज़िंदगी के बारे में क्या बताएंगे? वो बे इंतहा खूबसूरत गायकी के मालिक थे, आवाज़ के, और उन्होंने मौसीकी को एक नई ज़िंदगी बख्शी। बहुत सारी जो एक गायकी में चीज़ें होनी चाहिए, जो खसूसियात होनी चाहिए, उन्होंने जो अपने बुज़ुर्गों से सीखा उसकी उन्होंने उसने अमेंडमेंट की, जो कि पहले मौजूद नहीं थी। ख्याल को, क्योंकि वो ख्याल गाने वाले थे, और बे इंतहा ख्याल को खूबसूरत करके गाया, क्योंकि ख्याल गायकी फ़कत जो थी वो उसमें ये होता था कि राग का जो धर्म है या राग में जो ग्रामर जो चलती है, उसकी जो सुर है, उसका आरोही अमरोही और राग का जो वो सिलसिला रहता था, लेकिन उसमें एक्सप्रेशन और उसमें जो फील है उस पर ज़रा कम ध्यान था। तो बड़े गुलाम अली खान साहब को अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत आवाज़ दी, उन्होंने जो अपने बुज़ुर्गों से सीखा, अपने वालिद उस्ताद अली बख्श खान साहब और अपने चचा उस्ताद काले खान साहब से, जो कसूर घराने के बहुत बड़े नुमाइंदे थे, और उन्होंने अपने जो हमारे परदादा कि उन्होंने गंदाबंद शागिर्दी की। अच्छा। और गंदाबंद शागिर्दी से जो है वो पटियाले से वो मुंसलिक हो गए। बाज़ुकत आप सुनने में आता है कि जी वो हमारे वो रूहानी उस्ताद हैं, तो रूहानी उस्ताद और का जो कॉन्सेप्ट है
वो हमारे संगीत में इतना नहीं है जितना कि एक सर्टिफाइड होता है, जैसे वो गंडा बन शागिर्दी से. अच्छा, उसको कहते हैं गंडा बन शागिर्दी. और से हम लोग पटियाले को रिप्रेजेंट करते हैं. बिल्कुल. हमारे बुजुर्ग जो थे वो अफगानिस्तान से आए और गजनी से, और वो आके कसूर में आबाद हुए. तो वहाँ से गाना शुरू हुआ और यूँ करते करते जो है वो पंजाब में उस्ताद अली बख्श खान साहब, उस्ताद काले खान साहब ने इसको बहुत खूबसूरत गायकी से रंगा और ये पंजाब को पूरी सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने रिप्रेजेंट किया. और उनके बाद हमारे दादा उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब और उनके छोटे भाई उस्ताद बरकत अली खान साहब और फिर उस्ताद मुबारक अली खान साहब और इमानत अली खान साहब, इन्होंने ख्याल गायकी को बहुत खूबसूरत रंग दिया. और उसके साथ साथ ठुमरी को वो लोग पंजाब में लेकर आए, क्योंकि ठुमरी जो है ये एक पूरब अंग की गायकी है जो कि एक पूरब लखनऊ और बनारस में ही गाई जाती थी. उन्होंने इसमें इतनी खूबसूरती पैदा की कि वो जो पुराना अंग था उसको उन्होंने उसमें काफ़ी जो थी वो जिद्दत पैदा की कि उसको इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए. उसमें नज़ाकत भी बहुत नज़ाकत भी पैदा की. वो जो उन लोगों का पुराना अंग था वो गाते थे वो मुख्तलिफ आवाज़ों से, जैसे कि हम कहें कि कंकर मार जगा गयो रे बमना के छोरा रे. अब ये जो पहले जो चलता था लखनऊ और बनारस में वो ये था बमना के छोरा रे बमना के. तो उन्होंने कहा ना ना ना, इसको तो चेंज करके उन्होंने इसमें और खूबसूरती पैदा की. बमना के छोड़ा दे. रात चली है झूम के, उसके आप मेहमान हैं और आपके बुजुर्गों को ये आज का ट्रिब्यूट है. आज आप हमें क्या सुनाएंगे? ये एक मेरे दादा की ठुमरी है, याद पिया किया है. बहुत ही खूबसूरत एक वर्जन है. मैंने थोड़ा इसको रीमिक्स किया है. अच्छा. इसका अरेंजमेंट ज़रा डिफरेंट है लेकिन उसमें जो लगाव है या जो सिलसिला है राग का जो कॉन्सेप्ट है वो वैसा ही है.
उम्र में तो आपने तो उस्ताद साहब को नहीं देखा होगा, लेकिन अपने चचा और अपने घर बुजुर्गों से जो सुना, तो एज अ पर्सन, एज अ फादर, क्या उनकी उनके बारे में कहते हैं? हमारे चचा उस्ताद मुनव्वर अली खान साहब जी, वो बड़े गुलाम अली खान साहब के साथ बहुत गाए, और उन्होंने अपने चचा उस्ताद बरकत अली खान साहब को भी बहुत सुना, ही वॉज ब्रॉट अप इन दैट। और हमारे घराने की जितनी गायकी थी वो बड़े गुलाम अली खान साहब और उस्ताद बरकत अली खान साहब की, मुबारक अली खान साहब की, वो सब उनमें ट्रांसफ़र हुई। तो वो बहुत अच्छे उस्ताद थे, बहुत अच्छे परफॉर्मर थे, सिखाते थे चीज़ को कि वो अच्छे तरीके से एकदम से समझ में आ जाती थी, मुश्किलात से नहीं सिखाते थे। अच्छा। उनको बहुत अच्छा एक लय को किस तरह से, बंदिश को लय में कैसे याद करना चाहिए, वो बहुत अच्छा तरीका था उनका। जैसे कि वो कहते थे कि हमें उन्होंने एक राग दुर्गा में एक बंदिश याद कराई, तो वो था वो हेरे धन धन भाग मोर हेरे धन,
तना भाग मोर आई रोत पिया मिलन की हेरे दन दन। अब वो जो जगह है आई रोत पिया मिलन की, तो अब ये जिसने नहीं सीखा हुआ या एकदम से शागिर्द के गले से अदा नहीं होती, आई रोत पिया पिया मिलन की हेरे दन दन। तो वो उन्होंने हमें बताते थे कि इसकी कैसे बांट कर ली जाए कुछ चीज़ को याद करने के लिए, तो वो उसको स्लो में कहें, स्लो के बाद उसको जितनी उसकी स्पीड है उससे कहें, वो बहुत अच्छे तरीके से गले में बैठ जाती है। इस वक्त और क्या सुना रहे हैं? एक राग यमन की एक बड़ी खूबसूरत बंदिश है जो हमारे चचा उस्ताद मुनव्वर अली खान साहब और बड़े गुलाम अली खान साहब गाते थे, इसको भी मैंने रीमिक्स किया है। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुली अरेंज्ड, और ये राग वैसे भी उनको भी बहुत पसंद था और मुझे भी बहुत पसंद है, और आप सुनिए। किनारे 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 दरिया कश्ती बांधोगे, किनारे 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 दरिया कश्ती बांधोगे, किनारे 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 दरिया उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद बरकत अली खान साहब और उस्ताद मुबारक अली खान साहब, इन्होंने जो सिखाया और इसके बाद जो जिन लोगों ने इनको फॉलो किया वो खुद एक स्कूल बन गए, जिसमें लता जी हैं, आशा जी हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, हमारी मैडम नूर जहाँ हैं। कोई आर्टिस्ट इनको गाए बगैर अपने आप को फनकार नहीं समझता, और ये एक ऐसा रास्ता दिखा गए हैं जो एक चलता आ रहा है। तो मतलब कहने का मेरा ये है कि गाना या जो भी हमारे आज के लोग गाएं तो उसमें एक ऐसी बात हो कि जिससे आगे लोग गा करके फनकार बन जाए। ना कि आपके पास तो माशाल्लाह घर में आपके घराने में जी, और वो लेगेसी लेके अब कौन आगे चल रहा है? जी हमारे मेरे दो बड़े भाई हैं और उस्ताद मजहर अली खान साहब, उस्ताद जवाद अली खान साहब एंड माई सेल्फ, और इसके अलावा हमारे चचाजाद भाई हैं रज़ा अली खान साहब, वो इसको कर रहे हैं, और हमारे कज़न हैं सजाद अली, आप सब उनको जानते हैं, वो भी गाते हैं, वो भी हम सब लोग इस वो भी इतना ही खूबसूरत से इसको लेकर के आगे चल रहे हैं। इस वक्त और क्या सुना रहे हैं? ख्वाजा गुलाम फरीद की काफ़ी है, वो जिंदड़ी लुटी तय यार सजन, ये एक्चुअली कंपोजिशन भी मेरे ग्रैंडफादर उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की थी, और ये सभी लोग तकरीबन आर्टिस्ट भी गाते हैं, और ये खूबसूरत एक फोक है, बल्कि ये राग मांड में इसको कंपोज किया था उन्होंने, तो ये मैं आपको सुनाता हूँ।